आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या चीज़ है? ये एक कम्बिनेशन है इलेक्ट्रो का और मैग्नेटिज्म का। सबसे पहले हम इलेक्ट्रो के बारे में देख लें। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रो का वर्ड जो है वो लफ्ज़ इलेक्ट्रिसिटी से निकला है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी, हम इस चीज़ को कहते हैं कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये एक हमारे पास सर्किट है और इस सर्किट को हम लोगों ने जो है बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है। जैसे ही हम इस सर्किट को कम्प्लीट करते हैं तो हमें मालूम है कि हमारा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो है वो फ्लो करता है और इस सर्किट के अंदर से करंट पास करता है। इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये भी बताया था कि जो होल्स होते हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और दोनों का जो कम्बिनेशन है उसे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस बात को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में पढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है कि जब भी करंट किसी सर्किट के अंदर से फ्लो होता है या पास होता है तो हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जबकि जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल की, जिसकी वजह से किसी भी ऐसे मटीरियल को जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जा सकती हैं या ऐसा मटीरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस चीज़ को हम इस चीज़ को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिज्म को हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेसिकली किसी चीज़ की अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिकली मतलब ये है कि ऐसा जो मैग्नेटिज्म जिसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब भी किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो चीज़ मेटल की बनी हुई है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब फिनोमिना हमें नज़र आएगा। लेट्स से किसी इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कॉइल है, लेट्स से कि एक कॉइल है हमारे पास इस तरीके की, इसे थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं। इस कॉइल को अगर मैं बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ, लेट्स से कि ये मैंने इस कॉइल को बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर दिया है, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। मुझे ये मालूम है कि जब किसी चीज़ को कॉइल के साथ जोड़कर हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो उसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। और मटेरियल कौन सा होना चाहिए? हमें मालूम है कि ये हमारे पास मेटल होती है, क्योंकि मेटल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उसके अंदर से जो है करंट पास हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ही तो करंट पास होता है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट फ्लो करता है और एक ऐसे मटेरियल के अंदर से जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और मेटल की बनी हुई है, तो होता क्या है, इसके अराउंड, इस कॉइल के अराउंड यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाती हैं। इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से ये सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाती हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो ये शो करती हैं कि इस कॉइल के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया है। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास कोई भी कॉइल हो, कोई भी मेटल की चीज़ हो, उसको आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है तो उसके अंदर से जो है या उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाता है, उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कॉइल जो है बिल्कुल स्ट्रेट कॉइल हो, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी कॉइल हो जो बहुत ज़्यादा चक्रों पर कंसिस्ट हो, मतलब कि इस तरह से सर्कुलर एक कॉइल हो जिसे यहाँ से इसके एक सिरे को दूसरे सिरे को यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया हो, ये लेट्स से ये पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, इस तरीके से भी कॉइल हो सकती है, तो उसके अराउंड भी जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो किस तरीके से होती हैं? कि वो इस तरीके से होती हैं कि इस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में भी सर्कल्स होते हैं इस तरीके से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी सेमी सर्कल्स होते हैं इस तरीके से, लेकिन दरमियान में आके हमारे पास जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वो बिल्कुल स्ट्रेट सी हो जाती हैं, ये स्ट्रेट हो जाती हैं और यहाँ पर जो है ऊपर और नीचे जो है वो सर्कल की डायरेक्शन में आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ एरिया जहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट आई हैं, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल है, मतलब कि उनका जो एरिया है या उनकी जो जो उनकी
पावर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, जबकि यहाँ और यहाँ हो सकता है वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि इन वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और ये वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वेरी करता है। बाज़ अवकात हमें मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के दरमियान ना बाज़ अवकात बाज़ जगह पर डॉट दिया होता है और बाज़ जगह पर क्रॉस दिया होता है। जब भी हमें डॉट दिया हो तो डॉट ये इंडिकेट करता है कि जो करंट है वो जो है हमारे पास पेपर के ऊपर दिया हो या किसी और चीज़ के ऊपर दिया हो, तो डॉट ये इंडिकेट करता है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी तरफ है, टूवर्ड्स और योरसेल्फ आपकी तरफ होती है। लेकिन अगर क्रॉस आ जाए तो इसका मतलब है कि जो करंट है वो अवे जा रहा है आपसे। इसका मतलब है जब भी क्रॉस आ जाए इसका मतलब है करंट हमसे दूर है, और जब डॉट आ जाए इसका मतलब है कि जो करंट है वो हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ आना और हमसे दूर जाने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पेपर है कोई, इसके ऊपर आपको डॉट दे दिया जाए, तो इसका मतलब है कि इस पेपर के अंदर जो है करंट इस पेपर से बाहर बाहर की तरफ बाहर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और अगर क्रॉस दे दिया जाए तो इसका मतलब है करंट बाहर वाली डायरेक्शन से अंदर वाली डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सके। और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमें मालूम है कि जब भी किसी चीज़ के अंदर जो है मैग्नेटिक फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाए तो वो जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं ये हमारे पास आती हैं ना, मैग्नेटिज्म की जो लाइन्स है जो सर्कुलर पाथ में आती हैं, इन्हें हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है सर्कुलर डायरेक्शन में होती है कॉइल में। इसके अलावा अगर मैं सोलेनाइड की बात करूँ, सोलेनाइड कॉइल जो है वो एक से ज़्यादा लूप्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। इस तरीके से हमारे पास सोलेनाइड होती है, इस तरीके से ये हमारे पास सोलेनाइड है। ये सोलेनाइड का एक टर्मिनल लेके इसे हम लोगों ने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे टर्मिनल को अगर हम लोग नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें तो हमें मालूम है कि हमारा करंट ने जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो करना है। जब हम किसी भी सोलेनाइड कॉइल को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि सोलेनाइड के अंदर से करंट पास करना शुरू हो जाता है। जैसे ही सोलेनाइड के अंदर से करंट पास करना शुरू हो जाता है तो इस सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, दरमियान में यानी कि इसके मिडल में सोलेनाइड के कुछ सर्कुलर पाथ में आती है, इस तरीके से डाउनवर्ड भी सर्कल में होती हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉइल्स की बात की थी ना जो एक से ज़्यादा चक्कर पर कंसिस्ट थी, मतलब उसमें एक से ज़्यादा जो है सर्कल आ रहे थे, उसी कॉइल की हम लोगों ने बात की। सोलेनाइड भी उससे बिल्कुल रिजेंबल करती है। सोलेनाइड के दरमियान में इस तरीके से सेमी सर्कल आ जाते हैं, जबकि एक साइड से जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रही होती हैं और एक तरफ से जो है वो अंदर की तरफ जा रही होती हैं। और इसमें जो है एरो इस तरीके से हम लोग दे देते हैं, जैसे कि यहाँ से ये बाहर निकल रही हैं, ये एरो जो है यहाँ पर इनके बाहर जाने की डायरेक्शन शो कर रहे हैं और यहाँ पर इनके अंदर आने की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो वो वाला सोलेनाइड का हिस्सा जहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रही होती है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और वो वाला हिस्सा जहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो सोलेनाइड के अंदर आ रही हों उसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। और दरमियान में हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रही होती है। जर सी बात है इसमें इस रुख होगा, इसमें इस रुख होगा, उसके बाद ये अंदर एंटर हुई हैं और एंटर होने के बाद यहाँ से नॉर्थ पोल के ज़रिए एग्जिट हो जाती हैं। हमें जब भी किसी करंट कैरिंग कॉयल से जो है हमें जब भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के बारे में पता करना हो तो इसकी जो डायरेक्शन है हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। राइट हैंड रूल से किस तरीके से, लेट्स से कि ये हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को जब आप अपने हैंड में कैप्चर कर लेते हैं, लेट्स से ये आपका हैंड है, इस हैंड में आपने इस तरीके से इसे पकड़ लिया है, इस तरीके से ये आपके हैंड में आ गई, इसे थोड़ा सा सेव कर लें, इस तरीके से आपने इसे हैंड में पकड़ा हुआ है। तो जो इसमें करंट जो है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल की, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे कि इस वाली एग्जांपल में हमें मालूम है कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब हम इस कॉइल को अपने हैंड में लेते हैं तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ होती है। तो जो हमारी फिंगर का कर्व है वो ये शो करता है कि हमारे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन इस तरीके से सर्कल है। मतलब कि जब भी आप किसी कॉइल को अपने हैंड में लेते हैं और उसके अपने थंब को जो है उस डायरेक्शन में करें जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो बाकी आपकी जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देती है, या आपके पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है कि फोर्स जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो सर्कुलर डायरेक्शन में आपके पास आ रही है। इसी तरीके से जब आपको सोलेनाइड दी जाती है, सोलेनाइड कॉइल, तो सोलेनाइड को जब हम अपने हैंड में लेते हैं इस तरीके से, लेट्स से कि ये हमारी सोलेनाइड कॉइल है, इस सोलेनाइड कॉइल को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है,
इसे थोड़ा सा सही करके हैंड को बना लेते हैं कि ये हमारा थंब है, और थंब के बाद जो है ये हमारे सर्कुलर फिंगर्स हैं। सर्कुलर फिंगर्स के बाद ये जो है हमारे पास, ये हमारा कंप्लीट थोड़ा सा हैंड है। इसे थोड़ा सा ज़ूम कर लीजिएगा ना कि ये हमारा हैंड आ रहा है। हमने करंट थंब को जो है राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। हमें मालूम है कि करंट जो है हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में हम लोग जो है वो थंब को कर लेते हैं और बाकी फिंगर्स को कप कर लेते हैं। तो जिस तरफ हमारा ये थंब इंडिकेट कर रहा होता है, ये वाला पोल जो है हमारा नॉर्थ पोल होता है और दूसरी साइड जो है हमारी साउथ पोल होती है। और इसमें जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इसी तरीके से होती है कि जब हमें नॉर्थ को पता चल जाता है तो नॉर्थ से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी और सर्कुलर डायरेक्शन में हो के साउथ से, साउथ पोल से जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो इसे हम लोग राइट हैंड रूल कहते हैं, क्योंकि हम जो है कॉयल चाहे स्ट्रेट हो या सोलेनाइड हो उसे कैप्चर अपने राइट हैंड में ही करते हैं और थंब की डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में रखते हैं जहाँ पर हमारा करंट जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा हो। तो बाकी फिंगर का जो कर्व है वो हमें जो है सोलेनाइड कॉयल की मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या अगर सिंपल कॉयल है तो उनकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बता देती है कि वो सर्कुलर है या वो किस डायरेक्शन में है। सोलेनाइड को जब पकड़ती है तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हमें नॉट के बारे में पता चल जाता है तो हमें जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उनके बारे में तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि नॉर्थ पोल से हमारी जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी और सर्कुलर वे के थ्रू होते हुए साउथ पोल से जो है दोबारा सोलेनाइड कॉयल के अंदर चली जाएगी। इसके अलावा एक टर्म जो है वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाला रीजन होता है जहाँ तक हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट रहता है, मतलब कि हमारे मैग्नेटिज्म का इफेक्ट रहता है। लेट्स से कि ये एक हमारे पास कॉइल थी, इसे हम लोगों ने बैटरी के साथ जोड़ कर एक कम्प्लीट सर्किट बना दिया। अब इसके अंदर से करंट के पैसेज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना हो रहा है। तो इस सोलेनाइड के इर्द गिर्द का वो सारा इलाका जहाँ तक इस मैग्नेटिज्म का इफेक्ट महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, जहाँ तक ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ रहा है, उसे आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसे आप मैग्नेट से चेक कर सकते हैं। दरअसल बात है यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल आएगा तो उसे मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि मैग्नेट से, मैग्नेटिक मटीरियल से आप जो है डिफरेंट प्लेसेस पर रख के मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को मैं फील कर सकते हैं। तो वो वाला रीजन जो आता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो ये कुछ मैग्नेटिज्म के बारे में था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। जब भी हम किसी मेटल की या मेटल की बनी हुई कॉइल को या हम किसी भी मेटल के मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रखें तो इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज की वजह से उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना प्रोड्यूस हो जाता है। इस चीज़ को आज हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस तरीके से प्रोड्यूस होती है।